हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्टिवा टू व्हीलर चलाना सीखेंगे। पहले तो मन में से डर को निकाल लेना है, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। दूसरा, आपको गाड़ी को पहले खड़ा कर देना है, घोड़ी चढ़ा के और खड़ा कर देना है। प्रैक्टिस कर लेनी है दोनों हाथों को कैसे रखना है, उसके बाद बैलेंस कैसे करना है, ये खड़ा रह के ही सीख रहे। इसके बाद घोड़ी निकाल देनी है और आगे बढ़ जाना है। इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड को खुला रखेंगे हैंडल पे और राइट हैंड को लीवर पे रखेंगे। गाड़ी स्टार्ट करेंगे चाबी लगा के और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब थोड़ा थोड़ा लीवर लगा के ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ देना है और ब्रेक को ऐसे पकड़ के ही रखना है, खुला हाथ रखना है, हमेशा ऐसे ही हाथ रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। और लीवर का ऐसे ही बंद रखना है, लेफ्ट हैंड खुला रखना है और राइट हैंड, और जब इमरजेंसी हो तब आप लेफ्ट हैंड की ब्रेक लगा के उसके बाद राइट हैंड की ब्रेक लगाएं, या तो फिर पूरा लीवर बंद करके अगर लेफ्ट हैंड की ब्रेक नहीं लगती तो लीवर पूरा बंद करके उसके बाद लगाएं। अब फिर से करेंगे, ये हम गाड़ी को पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लीवर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद घोड़ी को उतार देंगे। पहले ऐसे बैलेंस हो जाए, आप बड़े हैं छोटे हैं, हाइट आपकी लंबी है या कम है, ज़्यादा है या कम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मोटे हैं या पतले हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको डरना नहीं है, हिम्मत से आपको ये गाड़ी चलाना सीखना है। मन में से पहले डर को निकाल देना है। हाँ, आपको गाड़ी आती है ये सोचना है, आप सीख जाएंगे ये सोचना है तो आपको गाड़ी आ ही जाएगी। ये 5 मिनट का काम है, इजीली हो जाता है। आपको साइकिल चलानी नहीं भी आती तो भी आपको ये गाड़ी चलाना आ जाएगा। ये अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब धीरे धीरे से लीवर देना है और ब्रेक को छोड़ते जाना है। ऐसे करके प्रैक्टिस कर लेनी है, पहले तो लीवर देना है फिर ब्रेक को लगाना है। और हमेशा आपको ब्रेक लगानी हो तो लेफ्ट हैंड वाली ब्रेक लगानी है। अगर आपको इमरजेंसी है तब आप, कभी कभी क्या होता है लेफ्ट हैंड की ब्रेक ख़राब हो जाती है तो हमें राइट हैंड की ब्रेक लगानी पड़ती है, मगर उसको लगाने के लिए पहले लीवर को बिल्कुल बंद कर देना है, उसके बाद ही आप ब्रेक लगाएं। अगर आप कभी भी राइट हैंड वाली ब्रेक लगाते हैं तो आप उल्टे गिर जाएंगे, कभी भी नहीं लगानी है। इसलिए जब भी आप पहले तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ब्रेक चेक कर लेनी है, लेफ्ट हैंड की है कि नहीं, राइट हैंड की है कि नहीं, ये पहले चेक कर लेना है। अब ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हमें आ गई है, हमने घोड़ी उतार दी है। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को लटका के पहले चलाएंगे, उसके बाद एक पैर उठा लेंगे गाड़ी पे और फिर दूसरा उठाएंगे। पहले राइट लेग उठाएंगे गाड़ी पे रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरा पैर भी रख देंगे। और गाड़ी को आपको सॉफ्टली पकड़ना है, फिट नहीं पकड़ना है, हार्डली नहीं पकड़ना है, हाथों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से पकड़ना है। ये देखिए, हमारे दोनों पैर हमने ऊपर कर लिए हैं, अब गाड़ी हमको आ गई। ये हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अभी नई है, इसमें हमने मिरर भी नहीं लगाए हैं। ये तो बिल्कुल इजी है, साइकिल से भी ज़्यादा इजी है। इसे बस चाबी लगाते हैं और ये ऑन हो जाती है। ये इसकी हेडलाइट, दोनों साइड इंडिकेटर है, ये मेरी बेटी चला रही है। एज में छोटी है, 13 साल की है, मगर उसकी हाइट अच्छी है। इसमें भी दोनों पैर लटका के गाड़ी पहले स्टार्ट करनी है और बैलेंस हो जाए, उसके बाद दोनों पैर उठा लेंगे। पहले एक उठाएंगे फिर दूसरा उठाएंगे। ये हम उसने स्टार्ट की है और ये इसमें सेल्फी भी नहीं है, बस ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको साइकिल नहीं भी आती तो भी ये आपको आ जाएगी। कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं, एक्टिवा चलाएं या ये चलाएं, आपको साइकिल नहीं आती है इसका टेंशन नहीं लेना है। आपको समझ से गाड़ी चलानी है, उठानी नहीं है। ये इंडिकेटर दोनों साइड से आराम से हो जाती है, ध्यान से चलाना है सिर्फ, और इसको चार्ज भी अच्छे से ध्यान से करना है।
ज़्यादा नहीं कर देना है, और हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाएं तब ध्यान रखना है चार्जिंग है कि नहीं, ये तो आधे रास्ते में रुक जाएगी। ये पहले एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर, ये चल पड़ी इसकी गाड़ी। ये बिल्कुल इजी है, कहीं पे भी कहीं से भी निकल जाती है। और ये मैं चला रही हूँ, पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे और ये चल पड़ेगी। लीवर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके लीवर देना है पहले, धीरे धीरे ज़्यादा करते जाएंगे और बैलेंस हो जाएगा। एक पैर उठा लेंगे, ये स्टार्ट किया है अभी मैंने, और ये हेडलाइट, दोनों साइड के इंडिकेटर, जब भी आपको टर्न लेना हो तो इंडिकेटर ऑन कर दें। ये बिल्कुल इजी है, कोई भी बच्चा ये बड़ा हेल्दी हो या कम हो, उसका वज़न ज़्यादा हो, चला सकता है। पहले एक पैर उठा लेना है, हल्के हाथ से पकड़नी है गाड़ी को, पहले ध्यान रखना है हल्के हाथ से पकड़ना है, ऐसे हार्डली नहीं पकड़ना है कभी भी गाड़ी को। पहले एक पैर उठा लेंगे, फिर थोड़ी चलेगी, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और दूसरा पैर भी उठा लेंगे, बिल्कुल इजीली हो जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अगर साइकिल नहीं भी आती है तो भी आपको आ ही जाएगी, ऐसे अगर सीखेंगे तो आ ही जाएगी। आपको गाड़ी को उठाना नहीं है, चलाना है, ये पहले याद रखना है। ये हमने पहले एक पैर उठाया, ये दूसरा पैर उठाया, ये हो गया। आपका वज़न कम भी हो तो भी आप चला सकते हैं, ऐसा नहीं है गाड़ी का वज़न ज़्यादा है आपका कम है, आपको उठानी नहीं है गाड़ी, चलानी है और समझ से चलानी है, ध्यान से चलानी है। अपना भी ध्यान रखना है और गाड़ी का भी और सामने वाले का भी, पूरा ध्यान जब भी आप चलाएं तो गाड़ी में ही ध्यान दें, इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप गाड़ी चलाना सीख गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।